This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आप सबको SEO एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के इस 24वें बैच के, जो कि एक एक्सक्लूसिव बैच है, इसके लेक्चर नंबर 10 में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को प्रीवियस 9 लेक्चर्स तक जो सिखाया समझाया वो बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की कमी रह गई है, कोई सवाल रह गया, कोई कंफ्यूजन रह गई है, तो आप लोग अपनी कंफ्यूजन्स, अपने सवाल पूछ सकते हो। आप लोगों को तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि कल मैंने होस्टिंग पे अप्लाई करने का तरीका समझा दिया था। उसके बाद 24 से 48 घंटे का वेट करने का कहा था कि उसके बाद आपको आपकी होस्टिंग का लॉगिन पासवर्ड मिलेगा। और उसके बाद जब आपको लॉगिन पासवर्ड मिल जाएगा, उसके बाद आपने क्या करना है, लॉगिन पासवर्ड जब आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपने अपने एक दफा डोमेन को ओपन कर लेना है और डोमेन का आपने अपना कंट्रोल पैनल ओपन कर लेना है, साथ में अपने क्लाउड फ्लेयर को भी ओपन कर लेना है। साइड पे आपको क्लाउड फेयर में जो भी आपके डोमेन है, फॉर एग्जाम्पल व्हाटएवर, जो भी साइट trymini.com है, imprison.com है, या जो भी आपकी .com डोमेन है, उसको आपने इस तरह फ्री प्लान में चूज करके और आगे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। इस पेज पे आएगा, स्कैनिंग कर लेगा नेम सर्वर और बताएगा कि कौन से नेम सर्वर आपने अपडेट करने हैं अपने डोमेन के कंट्रोल पैनल में। या मैं नेम सर्वर देगा, हमने उन नेम सर्वर्स को कॉपी पेस्ट करना है। इसको एज इट इज आपने कंटिन्यू, ये जो नेम सर्वर हैं ये मैं डोमेन में जाके अपडेट कर दूंगा, जहां पर मैंने ns1.uphost.io और ns2.uphost.io पुट किए थे, वहां पर अब मैं ये वाला नेम सर्वर ये दोनों में अपडेट करके उसके बाद वेट करूंगा। ठीक है, अगर उसके बाद डन, गेट स्टार्टेड, यहाँ पर आपने इसको फ्लेक्सिबल चूज करना है, ये फ्लेक्सिबल लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद सेव, उसके बाद ऑलवेज यूज HTTPS, इसको अनेबल कर देना है, सेव। उसके बाद ऑटोमेटिकली में जावास्क्रिप्ट को अनेबल, CSS, HTML, इसको मिनिफाई कर दे, रिड्यूस फाइल साइज कर दे, ब्रॉडली स्पीड अप लोड टाइम्स, मैं इसको सम टाइम ऑफ रखता हूँ, सम टाइम ऑन रखता हूँ, और आप मोस्टली ऑफ ही रखोगे, क्योंकि कंप्रेशन में बाजुगात ये भी कर देते हैं कि हमारी कुछ स्क्रिप्ट्स होते हैं उनको बिल्कुल मॉडिफाई करके फिर यूज़र को पेश किया जाता है, तो जिस वजह से वो काम करना छोड़ देते हैं। इसलिए हम लोग ये जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं ब्रोटली के नाम से,
फीचर में इसको डिसेबल रख दो तुम। फिनिश पे क्लिक किया, बस अब जो नेम सर्वर थे वो जहाँ से भी आपने डोमेन रजिस्टर करवाई है, नेटफर्म से करवाई है, नेमचीप से करवाई है, ठीक है, गोडेडी से करवाई है, जहाँ कहीं से भी करवाई है वहाँ जाके आपने डोमेन के कंट्रोल पैनल में जाके आपने जहाँ पर ns1.appos.io और ns2.appos.io ये दोनों पुट किए थे, अब ये दो आपने अपडेट करके सेव कर देना है। उसके बाद आधा घंटा घंटा के बाद हमने अपनी जब वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश करेंगे तो HTTPS भी इनेबल होगा और CDN भी इनेबल होगा। HTTPS भी इनेबल होगा और CDN भी इनेबल होगा। यही दो फीचर मेन जो है हमें स्टार्ट में चाहिए होते हैं काम करने के लिए। उसके बाद हम बेसिकली काम स्टार्ट करने के लिए, उसके बाद हम आ जाएं इधर इधर सॉफ्टलिशियस एप्स इंस्टॉलर में और वर्डप्रेस के अंदर। सबने इसका वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल ठीक है, तुम वेब से चूज कर ली, ट्राई मिनी रन, इसमें हम फोल्डर बना लेते हैं। अच्छा, ये जो यूजर नेम है ये आपने एडमिन बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि हैकर का जो अटैक होता है वो इसी यूजर नेम के अगेंस्ट होता है। तो हमने जो है एडमिन नहीं रखना, कोई भी हम नाम चेंज कर लेते हैं, लापरवाह नेम। हमें किसी इस तरह बाय डिफॉल्ट के प्लगइन की जरूरत नहीं है। इनिशियली इंस्टॉल को क्लिक किया और ये 10-15 सेकंड में वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दी। वर्डप्रेस हमारी इस डोमेन पे इंस्टॉल हो गया है। अब हम कोई भी वेबसाइट बना के हम लोग काम स्टार्ट कर सकते हैं बेसिकली। ये हमें एडमिन में लॉगिन हो गए वर्डप्रेस के अंदर। सेटिंग में परमानेंट में पोस्ट ने
इसको मैं कर देगा पब्लिश, पोस्ट में हमने पोस्ट जो है वो रिमूव कर दिए, पेज हम प्राइवेसी पॉलिसी का पब्लिश कर दिया है। ये बिल्कुल बेसिक सेटिंग हो गई। अच्छा बस सी पे फाइल मैनेजर के जरिए हम लोग फाइल्स मैनेज करेंगे, जितने भी हम लोग लाइक कोई प्लगइन अपलोड करते हैं, करना चाहते हैं, कोई फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, कोई बैकअप लेना चाहते हैं, हम लोग फाइल मैनेजर का सहारा लेंगे। ठीक है, उसके बाद इमेजेस की हमें जरूरत नहीं है। FTP अकाउंट, अगर हमें फाइल जो है वो थ्रू सॉफ्टवेयर के जरिए अपलोड करनी है, करनी होती है, फॉर एग्जाम्पल फाइल जिला और भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो हम जो है वो FTP अकाउंट्स में आके अकाउंट क्रिएट कर लेंगे और वही यूजर नेम पासवर्ड हम फाइल को अपलोड करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो FTP अकाउंट्स बेसिकली इस्तेमाल होते हैं फाइल को ट्रांसफर करने के लिए, मगर हमारे पास फाइल मैनेजर जब मौजूद हो तो हमें FTP की जरूरत नहीं होती। करना तो दोनों का मकसद फाइल्स को ही अपलोड और डाउनलोड है, तो जो वेब बेस्ड है और ज़्यादा क्विक है, ज़्यादा रिलायबल है, वो है ये सामने पहला पहला ऑप्शन मौजूद होगा आपके सी पैनल में। हमने फाइल्स को अपलोड डाउनलोड करना होता है, ये बैकअप का ऑप्शन है। बैकअप का ऑप्शन बहुत ज़बरदस्त है कि आप जो है वो जो काम अभी तक का कर लिया उसका बैकअप ले लें, ताकि कल को अगर कोई सर्वर में मसला आता है तो, क्योंकि शेयर्ड प्लान होता है तो इसमें आपको बैकअप नहीं मिलता है, खुद से लेना पड़ता है। जो आप मतलब जो भी आप होस्टिंग अकाउंट परचेज करते हो तो बैकअप आपको साथ साथ लेना चाहिए, उसे डाउनलोड करके अपने पास कंप्यूटर में रखना चाहिए। उसकी वजह यह है कि कभी भी मसला आ सकता है तो हम लोग रीस्टोर कर सकते हैं, तो बैकअप डेली पे क्लिक करके हम डेली बैकअप ले सकते हैं। ठीक है, बैकअप विजर्ड में ज़्यादा आसान है बैकअप लेना निस्बतन बैकअप के डायरेक्टली जो ऑप्शन है उसके। तो ये बैकअप विजर्ड में ये पूछता जाएगा कौन कौन से फाइल्स का आपने बैकअप लेना है, फुल लेना है, हाफ लेना है, डेटाबेस यानी कि फुल लेना है, हाफ लेना है, जो बैकअप है ठीक है, डेटाबेस का लेना है, जस्ट फाइल्स का लेना है, वो हमने इसको हिदायत देते जाना है। ये मैं बैकअप की फाइल तैयार करके दे देगा और हम लोग उसको डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे। ओके, जितनी भी वेबसाइटें होती हैं उनके बैक एंड पे डेटाबेसेस ज़रूर होते हैं, क्योंकि डेटाबेस के बगैर कोई भी वेबसाइट जो है वो नामुकम्मल होती है, और डेटाबेस के बगैर मतलब जो वेबसाइट की लुक एंड फील होती है वो डिस्प्ले हो भी नहीं सकती। कहीं ना कहीं तो स्टोर होता है जो जो भी हमारे जो वर्डप्रेस का ब्लॉग है उसमें हम लोग जो भी चीज़ जो है वो ऐड करते हैं उनका कहीं ना कहीं तो आखिर रिकॉर्ड होता है और वो डेटाबेस में होता है। डेटाबेस बनाने के तरीकाकार भी बड़ा आसान है, विजिट पे क्लिक करके माइस पर डेटाबेस विजिट, और हम लोग इजीली डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़े तो, वैसे ऐसा ज़रूरत होती नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद SEO एंड मार्केटिंग टूल, इसकी भी इस फीचर की भी हमें सी पैनल में ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हम तो SEO ऑलरेडी कर रहे हैं, तो हमें इसका कोई में कोई परेशानी नहीं है, हमें SEO के इन टूल्स की बेसिकली ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर इन फ्यूचर होगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, बट हमें अभी तक के जो
हमने काम करना है उसमें हमें एसईओ एंड मार्केटिंग टूल्स की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये काम मैं आप लोगों को मैन्युअली सिखाने जा रहा हूँ। ये ऑटोमेटिक तरीके से, और हो सकता है कोई इनके कोई एफिलिएशन सी पैनल में होती है तो ये उन्हीं साइटों पे हमें ले जाएगा, उनकी हमें जरूरत ही नहीं है। अच्छा, डोमेन्स, ये बड़ा अहम पार्ट है डोमेन्स। जब आपने अपनी मजीद डोमेन्स को ऐड करना है वो ऐड ऑन डोमेन से, सब डोमेन बनानी है तो यहाँ से, रीडायरेक्ट करना है तो यहाँ से। अच्छा, जितनी भी हमने नई डोमेन्स ऐड करनी है, फॉर एग्जाम्पल हमारी एक सर्विस डोमेन है, हमने मजीद जितनी भी डोमेन्स ऐड करनी है, सबसे पहले उन डोमेन्स का आपने नेम सर्वर अपडेट करना होता है, करवाते हैं हम लोग उस उन डोमेन्स का जो नेम सर्वर है वो अपडेट करवाते हैं और वो होस्टिंग वाले रखवाते हैं। यानी कि इससे पहले कि हम उसको एज अ एड ऑन डोमेन ऐड करें, हम लोग पहले नेम सर्वर अपडेट करेंगे उस डोमेन के जिसको भी हमने एज अ एड ऑन डोमेन ऐड करना है, और उसके तकरीबन 12 घंटे बाद, 14 घंटे के बाद आप एड ऑन डोमेन में आके डोमेन को ऐड करोगे तो डोमेन ऐड हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ जी, ऐसे ये सब डोमेन इसने बना दी और फोल्डर भी बना दी। अजान होते हैं उसके बाद दोबारा स्टार्ट करते हैं, जस्ट होल्ड ऑन। अच्छा जी, तो ये इसको हमने ऐड डोमेन क्लिक करेंगे तो हम, तो ये डोमेन भी ऐड हो जाएगी और एक ही सी पैनल में मल्टीपल डोमेन्स हम रन कर रहे होंगे और उनको हम मैनेज भी उसी तरीके से कर सकेंगे। बड़ा आसान काम है सी पैनल को, सी पैनल से अपने साइटों को संभालना। बेसिकली सब डोमेन बेसिकली इस्तेमाल होता है कि हमने हमने कोई जो है वो इस तरह की सेटिंग है, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ डॉट ट्राईमिनी डॉट कॉम, इस तरह पहले से बनाया हुआ हेल्थ डॉट ट्राईमिनी डॉट कॉम। इस तरह, ठीक है, इस तरह से ओपन होगा हेल्थ डॉट ट्राईमिनी डॉट कॉम। यानी कि हमने सब फोल्डर नहीं बनाया, सब डोमेन बना दिया। तो ये सब डोमेन के बारे में था। अच्छा, रीडायरेक्शन, ये बड़ा अहम टॉपिक है। क्यों अहम है? क्योंकि होता क्या है कि बाद हमारा गूगल एडसेंस जो है वो ब्लॉक हो जाता है
या हमें बाज़ुकात एक सेटअप को टोटली शिफ्ट करना होता है एक नए सेटअप के ऊपर। ठीक है, यानी कि मेरे पास पहले फॉर एग्जांपल थी वेबसाइट .com, अब मैं उसको रीडायरेक्ट कर रहा हूँ फैजान .com में फॉर एग्जाम्पल, जिस डोमेन को मुझे रीडायरेक्ट करना है उस डोमेन को सबसे पहले इस सी पैनल में ऐड करूंगा, जिसको रीडायरेक्ट करना है, जिस पे करना है उसको वो नहीं चाहिए, जिस वेबसाइट को मुझे रीडायरेक्ट करना है मुझे उसको पहले इस सी पैनल में ऐड करके परमानेंट 301 वाला ऑप्शन चूज करके और वो डोमेन चूज करके और उसके बाद इस पे मुझे इस पे मुझे करना फॉर नंबर याहू डॉट कॉम पे ऐसे ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब क्या होगा कि ट्राई मिनी पे जितनी भी ट्रैफिक होगी वो सारी रिडायरेक्ट हो जाएगी नए सेटअप की तरफ। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो गूगल वेबमास्टर टूल मैं आप लोगों को बताऊंगा वहां पे भी दोनों साइटों को ऐड करना जरूरत होती है और डायरेक्ट कर रहे हैं ना उसको उसमें चेंज एड्रेस का ऑप्शन पे जाके हमने नई डोमेन का जो ऑप्शन है उसको चूज करना होगा। वो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली गूगल वेबमास्टर टूल्स के लेक्चर में करके दिखा दूंगा कि कैसे आपने जब आपने एक डोमेन को टोटली शिफ्ट कर देना है तो आपने किस तरह से करना है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ये तो प्रैक्टिकली करके दिखा दूँ तो आप लोगों के लिए समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिडायरेक्शन का ऑप्शन आपको और हमें जो है बेसिकली एसईओ में बहुत फायदा देता है, हमें जब भी जरूरत होती है रिडायरेक्शन की इजीली रिडायरेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक ईमेल। आपने कभी कस्टम ईमेल का नाम सुना है? जो जितने भी अकाउंट हम बना सकते हैं हम बना लेंगे और जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम वहीं उसी को यूज करेंगे। इसको आप फिर अपने मोबाइल में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये कस्टम ईमेल का ऑप्शन है। कस्टम ईमेल में जो है वो एक है फॉरवर्डर और एक है ईमेल अकाउंट, दो ऑप्शन है जिसको आपको समझना जरूरी है कि ये है क्या। फॉरवर्डर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला, मैं खुद भी यही इस्तेमाल करता हूँ। ऐड फॉरवर्डर पर क्लिक किया, इस तरह अब जो भी बंदा ईमेल करेगा फीडो डिडो एट ट्राइमिनी डॉट कॉम पे मुझे, तो मुझे मीट फैजान एट जी मेल डॉट कॉम पे ईमेल रिसीव हो जाएगी। तो ये बेसिकली क्या है कि कस्टम ईमेल बनाने का एक ऑप्शन है जो कि हर बंदे की सी पैनल में उसको मिलेगा। दूसरा है कि हम जो है ईमेल अकाउंट का एक मेल बॉक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। इसका फायदा ये होता है बेसिकली कि हमें फॉरवर्डिंग नहीं करनी पड़ती। उसके अलावा इसका ये भी बेनिफिट है कि इसमें जो स्पेस होती है वो हमारी होस्टिंग में से यूज़ हो रही होती है और उसके अलावा हम इजीली ईमेल्स सेंड और ईमेल रिसीव कर सकते हैं इस ईमेल अकाउंट के जरिए। जो हम यहाँ पर आकर अपने क्रिएट पे हमें क्लिक करना है,
ईमेल आईडी और ये पासवर्ड इसका आ गया। हम जो है वो इजीली लॉग इन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल trymini.com/mail, जो भी यानी कि आपकी डोमेन आप उसके स्लैश लगा के एंड पे और उसके मेल बॉक्स वाले लिंक पे जा सकते हो। और फिर आपको यूजर नेम पासवर्ड की ज़रूरत होगी जो कि हमारे पास है, हमने अभी इसको क्रिएट किया है। इसको मैं डाल के डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि हमें जरूरत नहीं। वैसे इसी तरह से कस्टम ईमेल आप जो है वो बना सकते हो। ये है हमारा वर्ड वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद सी पैनल को अंडरस्टैंड करने का तरीका का। अच्छा, इसके अलावा ना ये बाज़ का तो होता है PHP का वर्जन जो है वो कहता है कि PHP का लेटेस्ट वर्जन आप सेलेक्ट करें, अदरवाइज फीचर्स वो चल नहीं पा रहे होते। तो यहाँ से इस ऑप्शन से आप इसके बेसिकली PHP के जो वर्जन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो ताकि आपकी जो फाइल है वो अप टू डेट रहें। यहाँ से आपने बिल्कुल लेटेस्ट जो होगा वो आपने सेलेक्ट करके साइड पे कहीं क्लिक करना है तो ये अपडेट हो जाएगा हमारा। जो भी हमारी लाइक वर्डप्रेस चल रहा होगा या कोई भी सेटअप चल रहा होगा वो अपडेट हो जाएगा लेटेस्ट PHP के वर्जन में। तो फिर उसके अंदर जो फीचर होंगे जो भी हम यूज़ करें वो उनको यूज करना आसान होगा। अच्छा, अगर हमने खुद से SSL इंस्टॉल करना है यानी कि क्लाउडफ्लेयर का यूज ना करना हो तो SSL और TLS ये ऑप्शन है। यहाँ से आके हम मैनेज SSL साइट पे आके यहाँ से हम लोग जो है वो अपना सर्टिफिकेट अपडेट करते हैं। ये है सी पैनल का कंप्लीट लेक्चर जिसको आप लोगों को समझना जरूरी है ताकि कल को आप लोगों के लिए परेशानी ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जो लेक्चर होगा उसमें आप लोगों को फ्रीलांसिंग के बारे में गाइड करूंगा। आज के लिए इतना ही, ना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।